अनिल जी, अभी हमने हनुमान बेनीवाल की बात करी, वो भाजपा के साथ आए हैं। अब बात थोड़ा सा हम अजमेर की करते हैं, अजमेर की तरफ चलते हैं। वहां पर कांग्रेस से रिजू झुनझुनवाला मैदान में हैं और भाजपा से भागीरथ चौधरी हैं। वहां इस समय क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अजमेर की बात करते हैं। फिलहाल दो बातें दर्शकों को बताना जरूरी समझता हूँ। एक तो लोकसभा की वर्तमान स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वो 8 बार की सांसद हैं, 8 बार लोकसभा की सदस्य चुनी गई इंदौर से जी, और इंदौर की सीट से उन्होंने लड़ने से मना कर दिया है एक पत्र जारी करके। और अब वहां पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम चल रहा है, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और बड़ा दिग्गज माना जाता है उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में, और आलाकमान के बहुत नज़दीक हैं। हालांकि मालिनी गौड़ जो वहाँ की महापौर है, उनका नाम भी वहाँ पर चल रहा है जी। दूसरी खबर हम ये देना चाहते हैं कि झालावाड़ सीट पर जो बीजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत सिंह वर्तमान सांसद हैं, निवर्तमान सांसद कहना चाहूँगा, और वसुंधरा राजे के पुत्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री के, उनकी वीडियोग्राफी चुनाव आयोग करवा रहा था, कुछ शिकायतें मिली थी आचार संहिता के उल्लंघन की, वो वीडियोग्राफी उन्होंने नहीं होने दी, रुकवा दी है। इस तरह की कोई शिकायत चुनाव आयोग को पहुँची है और चुनाव आयोग पर विचार कर रहा है। ये दो बातें हम अपने दर्शकों को बताना चाहते थे। अब आते अजमेर की सीट पर। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने उस वक्त के विधायक किशनगढ़ के भागीरथ चौधरी का टिकट काट दिया था जी, और एक नौजवान टिकट विकास चौधरी को टिकट देकर प्रयोग किया था। विकास चौधरी भी हार गए और विकास चौधरी तो अपनी हार का कारण भागीरथ चौधरी को ही मानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने परंपरागत प्रत्याशी नाथुराम सिनोजिया को टिकट ना देकर एक दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया था जो प्रधान थे वहां पर पंचायत समिति के जी, वो भी हार गए और निर्दलीय वहां से चुनाव जीत कर आ गए सुरेश टांक। अब 2 बार के विधायक भागीरथ चौधरी को लोकसभा का टिकट दिया है भाजपा ने, और कुल मिलाकर भाजपा ने एक बार फिर जाट कार्ड खेला है, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव सावनलाल जाट जीते थे। सावनलाल जाट के निधन के बाद, हालांकि जब विधानसभा उपचुनाव हुआ था इस्तीफा देने के बाद विधानसभा से जी, तो बीजेपी हार गई थी नसीराबाद से, और बाद में निधन के बाद जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो भी बीजेपी हार गई थी। सावनलाल जाट के बेटे रामस्वरूप लांबा चुनाव हार गए थे उपचुनाव में लोकसभा के, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जाट कार्ड खेला है, क्योंकि अजमेर में 18 लाख वोटर हैं, उनमें 2.5 लाख से ऊपर जाट हैं जी, और जाट वहां पर एक मुश्त वोट पड़ता है एक तरफा जी। अजमेर की लोकसभा सीट डिलिमिशन के लिमिटेशन के पहले रावत सीट मानी जाती थी, राज्य में एक सीट थी रावत सीट मानी जाती थी। उस जमाने में 8 लाख 9 लाख वोट होते थे, 10 लाख भी वोट हो गए थे तो भी 2.5 से 2.5 लाख के बीच रावत होते थे। ब्यावर तब अजमेर में शामिल था, ब्यावर में अकेले 50,000 रावत हुआ करते थे, पुष्कर में रावत थे, नसीराबाद में रावत थे। तो इस वजह से रासा सिंह रावत जैसा व्यक्ति, जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति थे, एक स्कूल में हेडमास्टर थे, हेडमास्टर रहते हुए उन्हें, हालांकि आर्य समाज के अच्छे कार्यकर्ता थे, अध्यक्ष भी थे नगर के, उनको टिकट दिया गया। जब वो टिकट नहीं मांग रहे तब भी टिकट मिला, और रावत होने के नाते वो लगातार 5 बार, एक बार हारे प्रभा ठाकुर से 5,000 वोट से हारे, कांग्रेस की प्रभा ठाकुर ने उन्हें हराया, कवियत्री प्रभा ठाकुर जो राज्यसभा की 2 बार मेंबर रही जी, उन 5,000 वोटों से उन्हें हराया था, लेकिन 4 बार एक बार और एक बार बाद में 5 बार वो सांसद बने रहे रावत वोटों के आधार पर। हालांकि उनके पास भी गिनाने लायक कोई काम नहीं है कि मैंने अजमेर के विकास के लिए ये किया, पर जनता उन्हें चुनती रही। अजमेर सीट की विशेषता यह है, ये रिजू झुनझुनवाला को कांग्रेस ने टिकट दिया। लेकिन अनिल जी, इनका तो आने से पहले ही कुछ विरोध भी शुरू हो गया, इन्हें बाहरी बताया जा रहा है। दो बातें यहां बताना चाहता हूं। अजमेर की सीट पर विष्णु मोदी नीम का थाना से गए थे चुनाव लड़ने जी, न केवल सांसद बने कांग्रेस के, बल्कि बाद में पुष्कर से विधायक बने और उसके बाद में बीजेपी में जाकर मसूदा से विधायक हो गए। जगदीप धनखड़ सीकर से गए थे तो 40-50 हजार वोटों से लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन वो किशनगढ़ से विधायक बन बैठे, गए सीकर से थे जी। सचिन पायलट दौसा में थे, वहां से अजमेर गए और सांसद बन गए और केंद्रीय मंत्री बने। इससे पहले आचार्य भगवान देव 1980 में आए थे चुनाव लड़ने, जन्म उनका ब्यावर में हुआ था भले से जी, पर 25-30 साल से वो अजमेर में कभी नहीं आए न रहे, दिल्ली रहते थे, योग सिखाते थे, संजय गांधी के मित्र थे, संजय गांधी की मित्रता के कारण उनको टिकट मिला, एक अटैची लेके आए, किंग एडवर्ड में उन्होंने ठहरे 40 दिन और सांसद होकर चले गए। तो अजमेर शहर की जो अब तक की परंपरा है, कुछ नहीं करने वाले रासा सिंह 5 बार, प्रभा ठाकुर के चारण है वो जाति से, उनके 500 वोट नहीं,
10-12 लाख में, तो वो सांसद बन गई, लोकसभा की सदस्य बन गई। सचिन पायलट दौसा से जाके लोकसभा के सदस्य बन गए, सीकर से आके विधायक बन गए और लोकसभा चुनाव भी मामूली अंतर से हारे। जगदीप धनखड़, विष्णु मोदी एक बार सांसद, दो बार विधायक बने नीम का थाना से जाके। तो ये एक अलग तरह का शहर है, अलग तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें ब्यावर निकल गया और दूधू आ गया। दूधू आने से थोड़ा जाट प्रोमिनेंट हो गई है, रावत कम हो गए, तब रावत सीट नहीं रही है, जाट सीट में हो गई है दूधू की वजह से, ऐसा माना जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिजु झुंझुनवाला की जो फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री मयूर शूटिंग की, वो अजमेर की सीमा और भीलवाड़ा की सीमा में एक नदी है बीच में, कोठाई नदी। नदी के इस पार विजयनगर अजमेर जिले की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, नदी के उस पार, पुल के उस पार इनकी फैक्ट्री, बिल्कुल पुल के एकदम लगी हुई, नदी के किनारे लगी हुई मयूर शूटिंग की फैक्ट्री। तो इसलिए बाहरी वाली बात तो कौन कहाँ जाके लड़ता है, मोदी जी कहाँ जाके लड़ते हैं, कौन कहाँ जाके लड़ता है, ये होता रहता है। तो ये तो, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये कि विजयनगर में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो वहाँ विजयनगर में काम करते हैं और विजयनगर में रहते हैं और जा काम करते हैं मयूर मिल में। तो इसलिए कोई ऐसा ये मुद्दा बन पाएगा मुझे नहीं लगता जी। अजमेर में बाहरी कभी मुद्दा नहीं रहा। अजमेर के लोग सोबर जेंटलमैन को पसंद करते हैं, अजमेर के लोग सोफिस्टिकेशन को पसंद करते हैं और अजमेर के लोगों को मैनेजमेंट के जरिए चुनाव कोई लड़े ठीक से तो वो वहाँ पर विनओवर कर सकता है। अजमेर में मुकुट बिहारी लाल भार्गव 1952 में सांसद हुआ करते थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव दो बार सांसद बने, उन्हें आँख से दिखता नहीं था पर देश के टॉप कानून विज्ञों में उनकी गिनती होती थी। वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते, हाईकोर्ट में वकालत करते, बिना देखे किताबें पढ़ के सुना देते थे कि इस धारा में ये लिखा है, इस धारा में लिखा, बड़ा नाम था उनका। उसके बाद उनके जो भतीजे थे विश्वेश्वरनाथ भार्गव, दो बार वो सांसद बने। उसके बाद 1977 में श्रीकरण शारदा, जिनके पिताजी थे, दादाजी पिताजी थे मेरे ख्याल से, हरिविलास शारदा, जिन्होंने शारदा एक्ट बनाया भारत में, बाल विवाह के खिलाफ जो कानून बना शारदा एक्ट, वो हरिविलास शारदा ने बनाया, उन्हीं के वंशज श्रीकरण शारदा 77 की जनता लहर में सांसद बने। 80 में आचार्य भगवान देव बने, फिर जो मैं बताता रहा उस तरह विष्णु मोदी, राशा सिंह रावत, ये सब चलते रहे। अनिल तो, जी, मैं तो ये आपसे पूछना चाहूंगी, फिलहाल दोनों में से किसका पलड़ा आपको थोड़ा भारी दिख रहा है? नहीं, भारी तो उन्होंने तो 10 दिन से चुनाव शुरू कर रखा है भागीरथ चौधरी ने, और दो बार के विधायक हैं वो पहले के, तो उनका प्लस पॉइंट भी है ये और नेगेटिव पॉइंट भी है। क्योंकि खास बात जो मुझे लगती है, उनका नाम चिर परिचित है, बीजेपी का एक कार्यकर्ताओं को जानता है पूरे जिले का, लेकिन मार्बल मंडी में उनके दो बार के विधायक कार्यकाल का जो इतिहास रहा है उसका एक इम्पैक्ट है जी। उसी इम्पैक्ट की वजह से लोकसभा उपचुनाव में भाजपा वहां हारी थी जी। तो क्या वो अपनी ही विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में बढ़त ला पाएंगे? अभी तो मेरे सामने यही एक प्रश्न है जी। हो सकता है बाकी 7 जगह वो बढ़त ले आए, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा, हो सकता है चुनाव भी जीत जाए जी, जी। लेकिन अगर सामने रखा जाए किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को, जिस तरह सुरेश टांग जीते, निर्दलीय वहां विधायक हैं, सुरेश टांग इस वक्त कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, अशोक गहलोत का साथ देने का उन्होंने वचन दिया है, तो हो सकता है वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम भी करें जी। तो उस स्थिति में भागीरथ चौधरी क्या वर्तमान विधायक के कांग्रेस का साथ देने के बावजूद, और विकास चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो उनसे नाइत्तफाकी रखते हैं इसके बावजूद, और वहां पर जो कांग्रेस के जाट प्रत्याशी थे और कांग्रेस के बगावत करके जो नाथुराम सिंधोदिया ने चुनाव लड़ा था वो भी जाट थे, इसके बावजूद क्या वो वहां अपनी बढ़त बना के रख पाएंगे किशनगढ़ में? अभी तो हम यही प्रश्न अपने दर्शकों के सामने छोड़े जा रहे हैं। अजमेर की सीट पे बहुत चर्चा होगी, कल एक दिन पहले ही उन्होंने अभियान शुरू किया है रिजु झुंझुनवाला ने, दरगाह गए हैं, पुष्कर गए हैं, उनका चुनाव अभियान कैसे चलता है, मैनेजमेंट होता है नहीं होता है, मिसमैनेज होता है वहां पे, कांग्रेसी कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं नहीं होते हैं, रूसे रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे, लेकिन लेकिन वहां पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बाहरी कोई मुद्दा बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शनरिंग प्रॉपर ठीक ढंग से की रिजु झुंझुनवाला ने और सचिन पायलट व रघु शर्मा की सक्रियता सामने आई,
रघु शर्मा पहले सांसद थे वहां से, उपचुनाव बने, सचिन पायलट वहां सांसद रहते हुए केंद्रीय मंत्री बने और अभी डिप्टी सीएम है राजस्थान में, उन्हीं का दिया हुआ टिकट है ये। तो अगर सचिन पायलट और रघु शर्मा साथ लगे, मेहनत की उन्होंने, पार्टी एकजुट रही, पार्टी में विरोधाभास नहीं हुआ, तो वे अच्छी टक्कर भागीरथ चौधरी को दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो अभी लगता है कि वो प्रचार उन्होंने शुरू भी कर दिया है, वहाँ पहुँच भी गए हैं, सबसे पहले वो पुष्कर गए, ख्वाजा साहब के ढोक लगाई, तो क्या एक आमने सामने का मुकाबला हो पाएगा अच्छे से? ये तभी है संभव जब कांग्रेस एकजुट हो, लोग भीतरघात ना करें और सचिन पायलट इससे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लें जी, या रघु शर्मा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लें, क्योंकि ये जो रिजु झुंझुनवाला है ये एक उद्योगपति हैं, नौजवान हैं, लेकिन इनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, राजनीतिज्ञों की तरह इन पर रंग चढ़ा हुआ नहीं है राजनीति का, तो इलेक्शन के इफ एंड बट्स नहीं जानते, इलेक्शन के मैनेजमेंट को नहीं जानते, वो कांग्रेस को पॉलिटिकल लोगों को करना पड़ेगा, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो रिजु झुंझुनवाला का चुनाव खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर रघु शर्मा और सचिन पायलट की फोर्स वहाँ लग गई और उन्होंने पार्टी को एकजुट बनाए रखने का काम किया तो निश्चित तौर पर वहां पर हमें कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। हालांकि जो बीना काक उनकी सास हैं वो भी उनके साथ बहुत अच्छी मजबूती से उनके साथ लग गई हैं। बीना काक पहले अजमेर की प्रभारी भी रही हैं जब मंत्री थी तब जी। और उनका अपना भी अपने भी संपर्क हैं जी। लेकिन वो काफी पुराने संपर्क हैं, तो नई पीढ़ी के लिहाज से तो मेरा कहना है कि सचिन पायलट और रघु शर्मा और वहां 1.25 लाख माली वोट हैं जो अशोक गहलोत के आंख के इशारे को समझते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री भी उनका नामांकन भराने अगर जाएंगे, मुझे ऐसा पता लगा है कि मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और रघु शर्मा तीनों उनका नामांकन भराने जाएंगे, अगर तीनों उनका नामांकन भराने जाएंगे और अशोक गहलोत की तरफ से ये मैसेज गया माली समाज को ही नहीं बल्कि सर समाज को, खास तौर पर चूंकि अग्रवाल हैं रिजु झुंझुनवाला, तो वैश्य समाज अगर एकजुट हो जाता है तो भी उनको बड़ा आधार मिल सकता है। जी, चलिए आज हमने अनिल जी से अजमेर लोकसभा सीट पर वहाँ के क्या हालात हैं, वहाँ पर कौन किसके सामने किस तरीके से चुनाव लड़ सकता है, सब कुछ जाना। आगे एपिसोड्स में सत्ता संग्राम में अन्य सीटों पर, राजस्थान की 25 सीटों पर एक एक करके उनका विश्लेषण हम जानते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।